वो बेजरर सी औरत है, बिल्कुल सादी सी, छोड़ दो उसका पीछा। मैं उसे इतना तंग करूंगा कि वो खुद माला को घर से निकाल देगी। तब तुम दोहरी लाइफ जियोगी। हाँ, और मैं कर भी क्या सकती हूँ, तो जाके इनकार कर दो इस रिश्ते से। तुम अभी भी अंसर को नहीं भूली हो, बचपन से अपना नाम उनके नाम के साथ सुना। आसान नहीं होता किसी को भूलना। लेकिन एक बात गौर से सुनो, तुम्हारे घर पर बहुत मजबूत साया है, वक्त लगेगा इसे हटाने में। देखो बेटा, मेरी बच्ची मुझ पे बोझ नहीं है, ये घर इसी का है, और ये जिस तरह से तुम्हारे घर में रह रही थी वो तुम्हारे सामने है। फिर भी मैं इसकी ख्वाहिश पर से तुम्हारे साथ भेज रही हूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वहां जाके इसे कोई नुकसान नहीं होगा? आंटी, मैं घर में सबको बता चुका हूं और सिद्रा से भी कह दिया है कि अपनी मर्जी से कोई भी मकान ढूंढ ले, हम उस घर में नहीं रहेंगे। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि इसे तुम फिर से कमरे में बंद कर दो, ये तो वहां बहुत घुट घुट के रहती है बेटा। ऐसा नहीं होगा आंटी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अम्मी प्लीज चुप करो। ये वकूफ लड़की अपनी कोक तो उजाड़ बैठी हो, फिर उन्हीं लोगों के दरमियान जाने के लिए बेताब हो रही हो जिनको तुम्हारी कोई कदर नहीं है। और वैसे भी यासिर बेटा, ये तुम्हारे साथ जाए इसकी कोई तुक नहीं बनती। मेरा मतलब है कि किसी बड़े को तुम्हारे साथ आना चाहिए था इसे लेने के लिए। आप ठीक कहते हैं, लेकिन वो चाचा जान की वजह से। हाँ, सुना था मैंने, लेकिन देखो किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि कोई फोन कॉल ही कर लेता, कम से कम दुनियादारी का कोई लिहाज कर लेता। लेकिन खैर, वैसे तुम्हारी माँ को अपनी बेटियों के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी है ना? खैर, तुम्हारी शक्ल पे एक बार फिर इसे भेज रही हूँ तुम्हारे साथ। जाओ, जाके तैयारी करो, और सुनो, वहां पहुंचते ही मुझे फोन करना। जल्दी चलो, देर हो रही है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि चाचा जान। What? आपके हस्बैंड ने आपको ये नहीं बताया? सब जानते हैं आप जैसे जान के साथ बहुत अटैच थी, फिर क्यों? मैं उनसे पूछूंगी,
तूने क्यों किया ऐसा? क्यों? देखिए माला, जाहिर है ये डकैती की वारदात तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आप समझ रही हैं ना? भूल तो नहीं गई आप? नहीं, मैं कैसे बोल सकती? मेरी मदद से कर, मैं कैसे भूल सकती हूँ उसको पकड़ने के चक्कर में अपनी जान से? माला, अगर किसी को इल्म हुआ कि मैंने आपको ये बात बताई है तो वो मेरा आपसे मिलना बंद कर देंगे और हम चचा जान के कातिल तक नहीं। नहीं, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और अगर कोई नई बात मालूम हुई तो? तो हम मुझे बताइएगा, फौरन मुझे बताइएगा। चचा जान की मौत को तहराम से भूल नहीं सकती। सब मेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। माला, मैं करता हूं। माला, अबू पानी। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है बेटा? सो रही है, बीपी अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। चलो अच्छा है, आराम कर लें, कम से कम इस तकलीफ से तो बचे। भाई ने कुछ बताया कब तक आएंगे? अबू सर दबा दो आपका। नहीं बेटा, चिंता रहो बेटा, जो अपने बाबा के लिए कुछ खाने के लिए ला दो। हैं बहुत थक गया हूँ खाला जान, इस उम्र में इतनी भाग दौड़ नहीं होती मुझसे। इसी उम्र के लिए लोग शायद परवरदिगार से बेटा मांगते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर ही चला गया। अरे बेटा, हिम्मत से काम लो। देखो, तुमने अपनी औलाद को हमेशा हलाल का लुकमा खिलाया है, इसलिए तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, उस पर यकीन रखो। और तुम देखना कि वो जरूर वापस आएगा, आएगा वो। अल्लाह ताला किसी को भी उसकी जान से बढ़कर तकलीफ नहीं देते, इसलिए तुम्हें सबर से काम लेना होगा। हाँ, सबर से काम लेना। कौन है? अरे कौन है भाई, कौन? पप्पू, क्या हुआ पप्पू? पप्पू, यासिर, मैंने माला के लिए गिफ्ट लिया है, शादी पर नहीं दे पाई, स्वयं के बाद दे दूंगी। अम्मी ने भी सूट भिजवाया है माला के लिए, कुछ रस्में दुनिया भी तो होती है ना। क्या हुआ यासिर? क्या हम अपनी बात कर सकते? आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? घर में सब खैरियत है ना? मेरा मतलब है कि यासिर, प्लीज हम इस टॉपिक को चेंज कर दें तो अच्छा होगा। क्या मेरा हक नहीं है जानने का? मैं उस घर की फर्द नहीं, आप तो मुझे पराया कर रहे हैं। सिद्रा,
अच्छा वेलकम है, से बेहतर था मैं मम्मी के पास ही होती। घर जा रही हूँ, घर जाके ये सारे सवालात और इनके जवाब अम्मी और अब्बू से ले लूँ। जब से उन्हें पता चला है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और वो भी तुम्हारी वजह से, सब नाराज है। अम्मी अब्बू ने तो जल्दबाजी में एनी का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया कि वो अपने घर की हो जाए और मैं ना जा सकूं। और क्या जानना चाहती हो? घर में चचा जान का सोयम था और मैं तुम्हें मनाने निकल गया। अब तुम ही सोचोगे कैसा वेलकम होगा। इसमें भी मेरी गलती, आप कहना क्या चाह रहे? सितरा प्लीज, प्लीज अब नाराज मत होना। क्या हुआ? वो पप्पू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले, मैं हूँ अंसर। अम्मी, कब से बंद है अम्मी कमरे? काफी देर हो गई है। तबीयत कैसी है उनकी? ठीक थी उनकी तबीयत तो। अच्छा सुनो, तुम परेशान ना हो, शायद दवाई लेके सो गई हो। घर को आया था क्या? क्या मतलब? मतलब यही कि घर पे कोई आया था क्या? पहले मेरे सवाल का जवाब दे। चाचा जान का इंतकाल कैसे हुआ? और प्लीज झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सबने पहले ही बहुत कुछ छुपा लिया, हम मजीद गुंजाइश नहीं। पहले मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या घर पे कोई आया था? मैंने भी आपसे कुछ पूछा है, मुझे बताएं कि चाचा जान का इंतकाल कैसे हुआ था? कत्ल हुआ था ना उनका? किसने कत्ल किया उन्हें? देखा, मैं कहती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा था कि चचा जान खतरे में, उनकी जान खतरे में, चले जाए, किसी ने नहीं सुना। चले गए ना वो, चले गए। माला प्लीज, हालात समझने की कोशिश करो, ऐसी कोई बात नहीं है। यासिर भाई की वजह से पहले ही घर में सब बहुत परेशान है। यासिर भाई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन लेकिन चचा जान नहीं, चचा जान जिंदा नहीं है। माला, यासिर भाई भाभी को मनाने इस्लामाबाद गए, पीछे सबको नाराज कर दिया उन्होंने, और ऐसे में तुम? सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ माला। फिर अकेली हो गई अंसर, फिर अकेली हो गई, सिवाय उसके अब कौन सुनेगा मेरी बात, कौन यकीन करेगा? चचा जान के बाद एक वो ही तो है जो मुझसे मुखलिस है, जो मुझे सच बोलता है, जो मुझे समझता है, लेकिन फिर एक बार के लिए। कौन? वो कौन? अव्वल में, अव्वल में। Thank you.
वहां जाके पप्पो की टेक केयर करूं? कहीं आपने इसी वजह से तो मुझे सच नहीं बताया? यकीनन यही वजह होगी। अगर मुझे सच पता चलता तो मैं तो यहाँ आ जाती, फिर पप्पो का ख्याल कौन करता? समझाओ अपनी बहन को, ये जिंदगी है, बच्चों का खेल नहीं है कि जब जो दिल चाहे करे। अरे दुल्हन, ऐसे अगर दिल छोड़ोगी तो बेटा फिर कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी? और एक बात बताओ, यासिर आ गया है घर? हाँ, अब जब उससे मिलोगी ना तो बहुत सोच समझ के बात करना, ध्यान से बात करना, ऐसा ना हो कि सिद्रा को फिर कोई मौका मिल जाए और वो उसे हमसे मजीद दूर कर ले। और तुम यहाँ बैठी हुई हो चुप करके, भूल गई क्या कि आरिफ के लिए दुआ मांगनी है बेटा? उठो जाओ शाह, चल के दुआ करें उनके लिए। वो देखो आ गए बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे ऐसे करते तुम मेरा सुकून हो बेटा। जीते रहो बेटा, बस समझदारी से चलते हैं बेटे, हैं? हाँ, समझदारी से जिंदगी हो मेरी। जाले किसी ने मुझे दुआ दी हो, मैं तो जैसे हूं ही नहीं। आप तो अम्मी को देखकर सब भूल जाते हैं। वैसे आप कह रहे थे कि कोई आपसे बात नहीं करता, लग तो नहीं रहा था, सब समझ रही हूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ये खाना लेकर आई हूँ आपके लिए। अभी थोड़ी देर में सब आ जाएंगे ना, तो फिर मौका नहीं मिलेगा। सफर से भी आई हैं, थक गई होंगी, खा लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू एनी। काबिल नहीं समझा कि मुझे सच बताते। हालांकि तुम किसी की बात समझती ही नहीं, खुद ही खुद सब कुछ तसव्वुर कर लेती तो तुम्हें क्या बताते? यानी तुम्हें भी मालूम था,
तुमने मुझे धोखा दिया है नी? एनी मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। अला बस कर दो, हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। हम सब वैसे ही बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी में मजीद इजाफा मत करो। तुम जानती भी हो तो जुदा मेरे लिए क्या था, जानती हो क्या लगते थे वो मेरे? वो मेरे लिए किसी से लड़ रहे थे, उसने उनको मार दी। अगर अगर वो मुझे नहीं बताता तो तुम लोग तो मुझे बताते ही नहीं ना, है ना? यदि मुझे यकीन हो गया कि मेरा कोई अपना नहीं, कोई नहीं, कोई। माला मेरी बात सुन, अम्मी अब्बू भाई की वजह से ऑलरेडी बहुत परेशान है, उल्टी सीधी बात करके उनकी परेशानी को मत बढ़ाओ। यानी तुम्हें सबकी परवाह है ना? नहीं, ठीक है ठीक है। कौन है उधर? हमने कहा कौन आया है उधर? हिसार से बाहर आना है। चलो हम बाहर आ जाते हैं। कौन हो बैठी तू? और रात के इस पहर इस जगह? बाबा मैं बहुत परेशान। तुम अंदर चलो, इस टाइम पे मुनासिब नहीं यहाँ बैठना। नहीं नहीं वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? और वैसे भी यहाँ हमारे होते हुए कोई भी नहीं आ सकता। तुम अपना मसला बताओ, हमारे पास हर मसले का हल है। बाबा जी वो अला बच्चों की तरह जिद नहीं करो, घर चलो। शाबाश, घर चल के बात कर लेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमसे, हम उससे इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। किसी ने मेरे जज्बात का ख्याल नहीं किया, किसी ने भी नहीं। मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, नहीं सुननी मुझे आपकी बात। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें गलत फहमी हुई है माला, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना आंसर, कुछ भी नहीं। तुम सुनने की कोशिश तो करो माला। वो ही था जिसको मेरा ख्याल, अगर वो मुझे सच नहीं बताता तो आप लोग जानते हैं कि चाचा जान मेरी नजर में क्या अहमियत रखते थे, क्या है वो मेरे लिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोगों ने मुझे धोखा दिया, सब लोगों ने। तुम घर चल रही हो कि नहीं? क्यों क्यों लेके जाना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए ना कि मैं वहां जाके पप्पू की टेक केयर करूं? कहीं आपने इसी वजह से तो मुझे सच नहीं बताया? यकीनन यही वजह होगी, अगर मुझे सच पता चलता तो मैं तो यहां आ जाती, फिर पप्पू का ख्याल कौन करता? समझाओ अपनी बहन को, ये जिंदगी है, बच्चों का खेल नहीं है कि जब जो दिल चाहे करे।
अगर मैं पागल थी, अब अपनी अम्मी के बारे में क्या कहें? जाएं जाके उनको भी कहें कि वो भी पागल। मौलक, अपनी ज़बान को लगाम दो। अपने इस पागलपन को जस्टिफाई करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। अल्लाह, चलो भाई अब ये रस्म भी पूरी हुई और आरिश मियां हम सब के लिए याद बनकर रह गए। बस यही है जाम। लगता है खाला जान कि मैं तो एक बात फिर से यकीन हो गया। चले इधर आए। क्या हुआ है, ऐसे क्यों लेके आई हो मुझे? अब क्या हो गया? अम्मी, माला और अंसर का झगड़ा हो गया और माला ने घर जाने से इनकार कर दिया। ओह खुदाया, अब इसकी कमी रह गई थी। सिद्रा ने इस घर में कदम क्या रखा मेरी बेटी पर, फिर आफत टूट पड़ी। अम्मी, ये भाभी को कोसने का वक्त नहीं। मेरे साथ चल के माला को कमरे में समझा, क्योंकि उसने मुझे कमरे से निकाल दिया। मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर पप्पू ने उसे साथ घर चलने को कहा और उसने इनकार कर दिया तो अम्मी बात बिगड़ जाएगी फिर। ओह खुदाया, ये लड़की क्या करेगी? अच्छा किया नहीं तुमने मुझे बता दिया, चलाओ। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ है माला? बता तो दिया होगा इसने आपको। ये बेवकूफी की बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम और यासिर दोनों मिलके हमें मार दो। रोज रोज मरने से बेहतर है हम एक बार मर जाएं, हमारी जान छूट जाए। माला, बाहर सब लोग जमा हैं और तुम यहां तमाशा लगाकर बैठ गई हो कि तुमने घर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ऐसा क्या हो गया? लोग हमसे तरह तरह के सवाल करेंगे। हम लोगों को क्या बताएंगे कि बेटी अपने घर क्यों नहीं जा रही? जुमा जुमा 8 दिन हुए शादी को और अभी बहू घर वापस आई है, उसकी नाराजगी खत्म की है। खुदा के वास्ते माला, खुदा के वास्ते हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। तुम मियां बीवी का जो भी मसला है अपने घर जाके सुलझाओ। बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं, अपने मसाइल माँ बाप के घर बेटियां लेकर नहीं आती हैं, अपने घर में बैठ के सुलझाती हैं। अगर फिर भी कोई मसला होगा ना माला, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खुदा के वास्ते हमारी इज्जत का सवाल है, अपने घर चले जाओ। खुदा के वास्ते माला, मेरे बदले में हाथों को देख लो, चले जाओ अपने घर। जाओ, जा के इसका बैग पैक करो, ये जा रही है अपने घर। इसके शौहर का घर इसका घर है, अब ये घर तुम्हारा घर नहीं है। जाओ यानी, सुना नहीं तुमने? मेरे घर को खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसकी नजर लग गई। Thank you.
जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। सब लोग इंसान के बच्चे बने रहे या नहीं? सब लोग यहाँ मसरूफ है अम्मी। आर्य चाचा का स्वयं था ना, कसम से थक गई हूँ अम्मी। किसी काम को हाथ तो नहीं लगाया? खबरदार जो किसी को सर पर चढ़ाया हो तो। नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। इधर आते ही लोग आने लग गए। अभी आई हूँ अपने कमरे में, बस सो जाऊंगी। हाय अल्लाह मेरी बच्ची, मना भी किया था तुमको कि उस बुड्ढे के सोयम में मत जाओ, क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, तुमने तो माँ की बात माननी नहीं। आराम से जब जाती जब घर हो जाता था। अब देखना यासिर के तेवर भी बदल जाएंगे। ठीक कह रही हैं अम्मी, मुझसे कह रहे थे कि सब लोग उनसे नाराज हैं। खैर यहाँ आते ही सब वारी सदके हो रहे थे, पता नहीं। देखा देखा, मैंने कहा था ना माँ के तजर्बे से कभी फायदा ना उठाना। इधर मियाँ आया, उधर उसके साथ चली गई। अब तुम हमदर्दी के दरिया मत बहा लेना ससुरालियों के लिए, समझी? यासिर को बार बार याद दिलाना कि अलग घर लेना है। चुपचाप कमरे में पड़ी रहो, किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कर लेगी वो ऐनी पैनी सारे काम खुद ही। तुम्हारे अब्बू को बताया था मैंने, वो भी मुझ पर नाराज हो रहे थे कि क्यों भेज दिया जब तक अलग घर सेट नहीं हो जाता। समझा दिया है मैंने उनको भी। पता नहीं सिद्रा, मुझे यकीन नहीं कि यासिर अलग भी होगा या नहीं। बहुत गहरी मोहब्बतें भरी हुई हैं इसके दिल में अपने माँ बाप के लिए। अम्मी मैं फोन रखती, बाद में बात करती हूँ आपसे। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग चले गए? आपने बात की? अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने खाना खा लिया? शुक्र है, किसी को तो मैं दिखाई दी। आप चले, मैं आती हूँ। वैसे भी आपकी अम्मी ने आपको बुलाया, बहू तो उन्हें दिखाई नहीं दी। सिद्रा प्लीज। चले। अच्छा तो तुम उस औरत के घर से आई? ऐसा ही समझ लीजिए। हमने उसे अमल करने का कहा था, किया नहीं उसने। कर दिया है बाबा जी, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि वो बहुत खतरनाक है, इतने छोटे अमल से काबू नहीं आने वाला। अंदाजा था हमें, इसलिए हमने उसकी ताकत आजमाने के लिए एक छोटा सा अमल किया। अब हम खुद उसके बारे में छानबीन करेंगे कि वो कौन है और इंसानों को ऐसे तंग क्यों कर रहा है। बाबा जी अगर आपने उस औरत का साथ नहीं दिया ना तो वो सबको मार देगा, बहुत खतरनाक है। मैं तो कहती हूँ आपको, आपको एक बार साथ चल के खुद देख लेना चाहिए कि वो क्या है और क्या कर सकता है। कुछ भी हो जाए वो कामयाब नहीं हो सकता, हम भी कोई गए गुजरे नहीं। बस बाबा जी कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि वो वहां ना आ पाए, वरना वो घर तबाह हो जाएगा। हम आज रात उसके बारे में छानबीन करेंगे। मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, वो एक नहीं दो हैं, और वो दोनों मिलके ही ये सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए बाबा जी कुछ ऐसा कर दें कि वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाए। लेकिन तुम कौन? जितना कहा है उतना करो। नहीं माला, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? जानबूझ के की गई हरकतों को गलत फहमी नहीं कहते हमसे। काश कि आपने मुझ पर भरोसा किया होता, एक बार भरोसा करके तो देखते, मुझसे कहते मैं पप्पू को नहीं छोड़ के जाती, वो मेरे लिए भी अहम है। लेकिन कम से कम तुझे जान तो बच जाते, आपने क्या किया सर? माला अम्मी को बीच में मत लाओ। वो बीच में आएंगी, आएंगी वो बीच में,
और वो क्या सब आएंगे बीच में। मैंने सबको कहा था, एक एक के पास जाके कहा था कि चाचा जान को खतरा है, उन्हें मार देगा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और देखे देखे हम इसका कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। चाचा जान कत्ल हो गए, चले गए वो। देखे मेरी बात कोई क्यों सुनेगा, माता तो पागल है, अजीब अजीब हरकतें करती है, अजीब अजीब बातें करती है, आप देखते तो यकीन कर लेती है ना। अब आपकी अम्मी भी तो वही कर रही है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका। लेकिन आप तो वो गलत होंगी नहीं, क्योंकि गलत तो सब माला होती है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो भी तो ख्वाब देखती है, अंसर चीखती है, चिल्लाती है। मैं भी तो ये सब करती थी अगर मैं पागल। अब अपनी अम्मी के बारे में क्या कहें, जाएं जाके उनको भी कहें कि वो भी पागल। मौलव, अपनी ज़बान को लगाम दो। अपने इस पागलपन को जस्टिफाई करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, शर्म आती है मुझे खुद पर। हर जगह स्टैंड लिया तुम्हारे लिए, कहां कहां मारा मारा नहीं फिरा, यहां तक के अपने बचपन की मोहब्बत को भी छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। और आज तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बदले में तुमने मुझे क्या दिया, ये सब